हाय फोक्स, वेलकम बैक टू गमी कीर्ति चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा पार्ट टाइम वर्क बताने वाली हूँ जो कि खुद मेरे लिंक्डइन मैसेज पर आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज आया है कोर्स हीरो की तरफ से, और यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं मुझे रिमोट एंड फ्लेक्सिबल फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं बताने वाली हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप अपना लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो, आपको भी ये आया होगा मैसेज। अगर नहीं आया है तो मैं बता दूं, ये ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, यहाँ पे डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और विद इन 7 डेज आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, ऑलरेडी कैंडिडेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो $1500 से भी ज्यादा की अर्निंग कर पा रहे हैं पर मंथ से। अगर 1500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 82 रुपीज से, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1,23,000 अर्न कर रहे हैं। चलो छोड़ो, 1,23,000 भी छोड़ो आप, अगर आप यहाँ से 50,000 की भी अर्निंग कर लेते हो वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। कि ये मैं पार्ट टाइम जॉब आप सभी के लिए लाई हूँ ताकि मैं आप सभी को बता सकूँ कि आप भी ये काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आपको 2-3 घंटे देने हैं तो आप 2-3 घंटे दे के यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप घर बैठ के काम करना चाहते हैं या आप किसी कैफे में बैठ के काम करना चाहते हैं, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, आपके ऊपर है कि आप कहां बैठ के काम कर रहे हैं, कितने घंटे आपको काम करना है। बस जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए और आपको यहाँ पे आपकी पेमेंट मिल जाएगी। और अच्छी बात है, ये कोई भी एडुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं मांगा है कि आपने PhD करी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप ग्रेजुएशन में हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो भी आप यहाँ पे अपनी पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडीज के साथ साथ यहाँ से आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा और सिखाने को भी मिलेगा। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है मैं आपको लेके चलती हूँ, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना गमी कीर्ति चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके अपने यूट्यूब फीड में मिलते रहें। सो मैं आपको लेके चलती हूँ, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये है कोर्स हीरो करके प्लेटफॉर्म, अर्न मनी एज एन ऑनलाइन ट्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाओगे ऑनलाइन, यू कैन मेक अप टू $1500 प्लस पर मंथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 1,20,000 के आसपास आप पर मंथ की यहाँ से इनकम कर सकते हो। अगर आप 1 लाख भी नहीं कमा रहे हो तो आप 50,000, 20,000, 30,000 तो कमा ही पाओगे, वो भी दिन के बस 2-3 घंटे देकर। ठीक है, मेक एक्स्ट्रा मनी, वर्क व्हेन यू वांट। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कंप्यूटर चाहिए, नो ऑडियो और वीडियो इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ना ही आपको कोई वॉइस आपको ना ही अपने वॉइस का यूज करना है, ना ही वीडियो का यूज करना है। हेल्प स्टूडेंट्स स्टडी एंड लर्न, शेयर योर एक्सपर्टीज विद कॉलेज स्टूडेंट्स टू हेल्प देम स्टडी एंड सक्सीड इन देयर कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है। एग्जाम्पल ऑफ ट्यूटर आंसर्स फॉर दीज टॉप सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा है व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ एरेज ओवर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का ये क्वेश्चन है। ट्यूटर्स आंसर एरेज हैव ये। ठीक है, आप अगर ट्यूटर एज अ ट्यूटर यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको ऐसे यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो। नर्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है जो कि पोस्ट किया है स्टूडेंट ने और ट्यूटर ने ये आंसर दिया है। बायोलॉजी बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, हाउ वुड यू यूज इट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, जो ट्यूटर है उन्होंने ये आंसर दिया है, तो आपको ऐसे ही आंसर देने होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको जिनका आंसर वो ढूंढ रहे हैं कोर्स हीरो प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूटर्स लव कोर्स हीरो, जो कि ट्यूटर्स अभी ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनका क्या कहना है। कंप्यूटर साइंस ट्यूटर इन इंडिया, आई एम परसुइंग अ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड ट्यूटरिंग ऑन कोर्स हीरो एज
हेल्प मी होन माई मैथमेटिक्स स्किल, मेक मनी टू सपोर्ट माई एडुकेशन एंड ट्यूटर अराउंड माई क्लास स्केड्यूल. ठीक है, बिकम अ ट्यूटर. अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन भरनी है, बट हम और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन. डू आई हैव टू बी अ सर्टिफाइड ट्यूटर? यहाँ पे कोई भी आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है. अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडीज कंप्लीट अभी नहीं करी आपने, तो भी आप यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं. हाउ लॉन्ग शुड आई एक्सपेक्ट टू वेट टू हियर बैक अबाउट माई ट्यूटर एप्लीकेशन? मोर ऑफन यू विल हियर बैक फ्रॉम अस विद इन 1-3 बिजनेस डेज. ठीक है, वीकेंड्स को छोड़ के जो भी वीक डेज हैं, 5 डेज हैं, उनमें से कभी भी 1-3 दिन के बीच में आपको आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाएगा. ठीक है, नो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्यूटर फॉर अ सर्टेन अराउंड अमाउंट ऑफ टाइम. दिस इज एन इंडिपेंडेंट पोजिशन. द हायर योर रेटिंग द मोर अपॉर्चुनिटीज यू विल रिसीव. ठीक है, आपके जो आंसर्स हैं उनको रेटिंग मिलेगी, और जितनी हायर रेटिंग होगी, जितनी ज्यादा रेटिंग होगी, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और उतना ही ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हो. तो ये था इन्फॉर्मेशन, मैंने अब सब बता दिया है. अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं. ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ये आप जो अपने सामने देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स ही हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में बहुत सारे हैं. हिस्ट्री, रिलीजन, फिलोसफी, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. बिजनेस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में. तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आप चूज कर सकते हैं, और इनमें आप ट्यूटर, एज अ ट्यूटर काम कर सकते हैं. ठीक है, अब चलते हैं कि आपको ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करना है. ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको. क्रिएट अ ट्यूटर अकाउंट टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन. यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, व्हाट कंट्री डू यू लिव इन, आर यू अबव द एज ऑफ 16, ठीक है, और व्हाट इज योर फोन नंबर, आपको ये लिखना है. बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. यहाँ पे व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एडुकेशन. ठीक है, मास्टर्स डिग्री आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल इन करना. मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल इन कर रही हूँ. रेफरल कोड आप यहाँ पे भर सकते हो. यहाँ पे रेफरल कोड NOC है. ठीक है, NOC आप लिख देना एंड नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करना है, तो मैं बिजनेस में जाती हूँ और बिजनेस का चूज करती हूँ. HRM जनरल मैनेजमेंट, ये ठीक है. ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दिया है मैंने. नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट अ क्विज, मैनेजमेंट का छोटा सा क्विज है, एवरेज अर्निंग, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके यहाँ पे वेरीफाई बैकग्राउंड. बैकग्राउंड पे मेरे को अपनी ID अपलोड करनी होगी, और एडुकेशन जो सब एडुकेशन है मेरी, एडुकेशन डिग्री है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी होंगी. तो मैं क्विज जो है आराम से बैठकर करूँगी, क्योंकि मैं भी अगर यहाँ पे सिलेक्ट हो गई तो मैं भी पार्ट टाइम अर्निंग कर सकती हूँ, और पार्ट टाइम अर्निंग क्यों नहीं कोई करना चाहेगा. ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड ये जो काम है ये हर कोई कर सकता है. तो आप भी अप्लाई कर सकते हो जो एज है 16 अबव यहाँ पे मांगी है, जैसे कि आपने देख लिया है, और अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है. और अगर आप सोचो कि अर्निंग कैसे आएगी आपके बैंक अकाउंट में, या तो पेपाल अकाउंट होगा, ठीक है, या तो आपके डायरेक्टली बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे, और बैंक डिटेल्स के आपके बैंक में वो अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, सो आप जल्दी से जाके अभी एप्लीकेशन कर सकते हो, और जब भी फ्री हो तब ही ये जो क्विज है तब देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बस छोटा सा टेस्ट देना है, और 70% और हायर आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी जाके आप ये पास करोगे. ठीक है, सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय फोक्स, टेक केयर एंड हैव अ अमेजिंग.